Hello guys, this is the part 2 of our chapter number 2, which is about central problem of our economy. Before getting into the chapter, I thought of explaining or introducing few more economic terms to you guys. Okay, very first term is assumption. जब भी हम बहुत सारी थ्योरीज अब आगे करेंगे इन कमिंग डेज, हर थ्योरी में अजम्पशन आएंगी, ठीक है ना? अजम्पशंस क्या होती है? एक्सेप्टेंस या द इकोनॉमिस्ट थिंग कि वो चीजें ट्रू है, बट जस्ट टू प्रूव द थ्योरी, बट ही हैज नो प्रूफ रिगार्डिंग इट. ओके, दिस टिक मार्क इज यूज्ड हियर फॉर द वर्ड ट्रू एंड दिस इज फॉर नो, ठीक है ना? डू नॉट कंफ्यूज इट विद द टर्म और द अल्फाबेट X. Okay. Now moving ahead. Next term is slope. Slope क्या होता है? It is the rate of change in dependent variable as independent variable changes. ठीक है ना? जब हमारा independent कौन होता है? जो free होता है, किसी के ऊपर depend नहीं करता है. अगर उसमें कोई change आएगा, तो जो variable उसके ऊपर निर्भर करता है या depend करता है, उसके अंदर कितने rate of change आया है, किस हिसाब से चेंजेस हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप. ठीक है, नेक्स्ट कॉमन टर्म इज सिट्रस पेरिबस. सिट्रस पेरिबस क्या है? एक लैटिन फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती है अदर थिंग्स कांस्टेंट. तो ये वर्ड भी हमें बहुत जगह मिलेगा इकोनॉमिक्स के अंदर जब थ्योरी की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोला डिमांड थ्योरी, ठीक है ना? डिमांड थ्योरी में मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ अगर प्राइजेस इंक्रीज होती है तो डिमांड हमारी डिक्रीज होती है, प्राइजेस डिक्रीज हुई तो डिमांड हमारी इंक्रीज हुई. एंड सिट्रस पेरिबस, सिट्रस पेरिबस मतलब बाकी चीजों का जिक्र नहीं है, दे आर एज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट. ओके, नाउ द मेन टॉपिक फॉर टूडेज वीडियो इज अबाउट पीपीसी कर्व, which is production possibility curve. क्या होता है ये curve? It is a curve showing different combination of two goods. दो goods की बात करेंगे, कौन सा combination use करेंगे, भी good one का कितनी unit produce करनी चाहिए, good two की कितनी करनी चाहिए. ऐसा हम combinations क्यों देखते हैं? Because our resources are limited. जितने available resources हैं हमारे पास वो limited हैं. Therefore, problem of choice जो मैंने पढ़ाया था ना, वो इसी के बारे में था. भाई उनकी चॉइस की बात आएगी, किस चीज को वो प्रोड्यूस करे, किस चीज को ना करे. देयरफॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज. ओके, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी आर, वन इज पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की साइड आता है, ओके, लेफ्ट टू राइट आता है. दूसरा कॉनकेव है, कॉनकेव है. आई होप द वर्ड कॉनकेव से आपको क्लियर है कि क्या शेप होगी कॉनकेव की, ठीक है ना? क्यों है ऐसा? सबसे पहला रीजन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की डाउनवर्ड और कॉनकेव शेप की, ये है कि एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड की यूनिट हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. दिस इज द सिंपलर रीजन बिहाइंड इट. ओके, मूविंग टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. ओके, नाउ पीपीसी इज वॉट? इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन स्केड्यूल. भाई कितनी यूनिट ऑफ गुड वन प्रोड्यूस करनी है, कितनी यूनिट ऑफ गुड टू प्रोड्यूस करनी है, देयरफॉर उनको हम तब ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पीपीसी. ओके, पीपीसी कंस्ट्रक्ट जब हम करते हैं तो तीन अजम्पशंस हम लेते हैं. ये टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप दिस इज क्लियर. थ्री अजम्पशन के बेसिस पे पीपीसी कंस्ट्रक्ट होता है. पहले रिसोर्सेज आर गिवन, भाई रिसोर्सेज पहले से हमारे पास हैं. सेकंड, गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब जितने रिसोर्सेज हैं हम उनको उनका भरपूर यूज कर रहे हैं और एफिशिएंट मैनर में कर रहे हैं, ठीक है ना? जब एफिशिएंट की बात करते हैं, एफिशिएंटली अगर हम किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, उसका मतलब क्या है? जीडीपी जो हमारी ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, ठीक है ना? थर्ड बोलता है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आता है. ओके, नाउ आई विल गिव यू वन इलस्ट्रेशन. सेट ए बी सी डी ई, ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? गुड वन और गुड टू की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीपीसी इज अबाउट द
द चॉइस बिटवीन टू गुड्स, भाई कौन सा गुड कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं सेट ए लेती हूँ तो मैं 100 यूनिट ऑफ गुड वन प्रोड्यूस कर रही हूँ और 0 यूनिट मैं किसकी प्रोड्यूस कर रही हूँ, गुड टू की। तो 100 किधर है, हमारी वाई एक्सिस पे है, ठीक है ना। बी अगर मैं लेती हूँ तो मैं 90 यूनिट ऑफ गुड वन प्रोड्यूस कर रही हूँ और 10 यूनिट मैं किसकी गुड टू की प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो देयरफॉर अगर क्या है, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इज कॉनकेव इन शेप। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, फ्रॉम द अबव डायग्राम और द फिगर क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, व्हाट डज पीपीसी टेल अस अबाउट। इट टेल्स अस अबाउट थ्री थिंग्स, तीन चीजों के बारे में बताते हैं। पोटेंशियल आउटपुट, ठीक है। पोटेंशियल आउटपुट क्या होता है, मतलब कितना आउटपुट, कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंडली अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल आउटपुट। अटेनेबल आउटपुट कौन से होते हैं, जो इस कर्व के ऊपर लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए बी सी डी ई, जो कर्व के ऊपर रहेंगे वो सारे अटेनेबल रहेंगे, ठीक है। या जो कर्व के अंदर लाई करेंगे इस एरिया में, ये सारे कौन से पॉइंट हैं, अटेनेबल। जब मैं बोलती हूँ कि नॉन अटेनेबल है वो पॉइंट, मतलब कि वो कर्व के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल इधर का कहीं लाई करेगा, लेकिन हमारे रिसोर्सेज इतने ही है कि हम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो वो पॉइंट्स होंगे हमारे नॉन अटेनेबल। अटेनेबल कौन से होते हैं, जो कर्व पे होगा या इनसाइड द कर्व होगा। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल आउटपुट, इसके साथ एक और टर्म आती है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या होती है, जो हम एक्चुअली प्रोड्यूस किया है, और पोटेंशियल मतलब जितना हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या बताती है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था, एक गुड को यूज करने के लिए हमें सेकेंड गुड की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो इसको हम और क्या बोलते थे, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, तो तीन चीजों का हमें पीपीसी से पता चलता है। नाउ कमिंग टू द सेंट्रल प्रॉब्लम एंड द पीपीसी, अब इन दोनों का रिलेशन देखते हैं कैसे है। जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो तीन चीजें आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो पहले तो हम बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, क्या बनाए हम। तो उसके अंदर आएगा गेन या लॉस का कंसेप्ट, ठीक है। इस फिगर पे आएंगे हम, जैसे गुड वन हमने वाई एक्सिस पे लिया है, गुड टू हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। अगर मैं बोलती हूँ मैं ओ टू सी यूनिट ऑफ गुड वन प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो इसके कंपेरेटिवली मैं ओ टू आर गुड टू प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन ड्यू टू सम चेंजेस मैंने ओ टू ई गुड वन प्रोड्यूस किया, देयरफॉर गुड वन मेरा रिड्यूस हो गया, तो लॉस हुआ गुड वन का। लेकिन ऑन कॉन्ट्रारी क्या हुआ है, मेरा गुड जो टू था वो आर से एस पे आ गया, ठीक है ना। तो गुड टू में मेरा क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड प्रॉब्लम इज डीलिंग विद हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की तब बात होती है बच्चों, इट इज अबाउट द चॉइस ऑफ टेक्निक, या कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था हाउ के अंदर क्या, कौन सी दो टेक्निक की बात होती है हमारी, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब हम लोगों के भले के बारे में सोचेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको रोजगारी मिलेगी, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज करती है और जीडीपी ग्रोथ हमारी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये फिगर है हाउ टू प्रोड्यूस के लिए, गुड वन हमारी वाई एक्सिस पे, गुड टू हमारी एक्स एक्सिस पे है। अगर मैं प्रोड्यूस करती हूँ ए टू ए डैश कॉम्बिनेशन, ये वाला, ठीक है, तो दिस इज अबाउट लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ एक्चुअल जो आउटपुट है वो पोटेंशियल से कम है, क्योंकि हम लोगों को रोजगारी देने के चक्कर में, एम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में, भला के चक्कर में जीडीपी ग्रोथ को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। और अगर मैं कॉम्बिनेशन बी टू बी डैश बनाती हूँ तो मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रही हूँ। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मेरी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, तो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, ठीक है ना। अगर अच्छी कैपिटल इंटेंसिव है मेरी टेक्निक, कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। अगर लेबर इंटेंसिव है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, दिस कर्व। ओके, नाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम की बात करते हैं किसके लिए, तो दो सेक्शन हमारे आते हैं, रिच और पुअर, ठीक है ना। जब मैं बोलती हूँ रिच, रिचेस्ट सेक्शन के लिए करेंगे, तो मतलब फ्यू सेक्शन
जो है हमारी इकोनॉमी में उसको टारगेट करेंगे, सब लोग तो अमीर नहीं है ना, तो बेसिकली वी आर रनिंग आफ्टर द प्रॉफिट। जब हम बात करते हैं पुअर के लिए, पुअर के लिए हम करेंगे तो वी आर रनिंग गोइंग आफ्टर सोशल वेलफेयर, उनके भले के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ आ जाता है, अगर मैं ए टू ए डैश करती हूँ तो मैं कौन से गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ, पुअर के लिए कि सोशल वेलफेयर ज्यादा है। अगर मैं बी टू बी डैश कर रही हूँ तो यहाँ मैं किसके लिए कर रही हूँ, रिचर सेक्शन के लिए, जो कि प्रॉफिट है, ठीक है। जब मैं रिचर सेक्शन के लिए कर रही हूँ तो मेरा पोटेंशियल आउटपुट, मतलब मैंने अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया है, देयरफॉर पोटेंशियल आउटपुट क्या है मेरा, ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, हायर लेवल पे है। अगर मैं पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ ए टू ए डैश, मतलब मेरा पोटेंशियल आउटपुट जितना मैं मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती हूँ उतना मैं प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, यहाँ एक्चुअल आउटपुट हमारे पोटेंशियल आउटपुट से कम है, ओके। अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, अगर सोशल वेलफेयर के साथ जाएंगे तो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट के लिए ये एरो किया तो लेफ्ट विल कम नीचे की साइड, ऐसे। अगर हम जाएंगे प्रॉफिट के लिए तो कर्व विल शिफ्ट राइट वर्ड, मतलब हम ऊपर की साइड जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इन द चैप्टर गिवन इज रिसोर्स। जब हम रिसोर्स की बात करते हैं दो चीजों की बात आती है, यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ। अगर मैं बोलती हूँ यूटिलाइजेशन, फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, तो क्या होगा, ये जो पीपीसी कर्व है या गुड वन है या गुड टू है मेरा, ठीक है। अगर मेरी फुलर यूटिलाइजेशन है वो पीपीसी के अंदर रहेगी, ऊपर रहेगी, ऑन पीपीसी, मतलब ए बी सी पॉइंट में। अगर मैं बोलूँ अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब मैं पोटेंशियल आउटपुट, मेरा एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से ज्यादा है, जितना मैं मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती हूँ उतना प्रोड्यूस ना करके एक्चुअली मैं कम कर रही हूँ, तो मैं कर्व के अंदर लाई करूंगी ई एफ जी पॉइंट पे, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइजेशन के पॉइंट कौन से, जो हमारी पीपीसी के अंदर है, और फुलर यूटिलाइजेशन या एफिशिएंटली यूज के कहाँ आएंगे, हमारे ऑन द कर्व ऑफ पीपीसी पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ की तब बात करते हैं, अगेन यहाँ आता है पोटेंशियल आउटपुट, पी ओ इज फॉर पोटेंशियल आउटपुट, ठीक है। तो मैक्सिमम रहता है, तब हमारा पोटेंशियल आउटपुट मैक्सिमम या हायर लेवल पे होता है, तो कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट, ठीक है ना, ऊपर होगा कर्व। अगर मेरा पोटेंशियल आउटपुट कम है तो कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट। That's it for today's video. In the next video, we'll be covering about the opportunity cost and PPC curve and why MRT is increasing. Thank you so much. If you have any doubt, please comment down in the comment section. Thank you.